खबर है आंवला से। आंवला शहर से आंवला शहर में खुलेआम धमकी दी गई है, अपनी दुकानें नाम कर दो नहीं तो कब्जा करने में देर नहीं लगेगी। गुंडागर्दी का यह बदमाश बिल्कुल बेखौफ लग रहे हैं, तभी किसी बदमाश का ऐसी धमकी देना कोई मामूली बात नहीं है। जॉनी नाम के इस बदमाश ने दुकानदार से कहा, तुम्हारे पास बहुत दुकानें, एक मेरे नाम कर दो वरना तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जान से भी मार दूंगा। वैसे भी मेरा कोर्ट और कचहरी में रोज का आना जाना है, आराम से दुकान मेरे नाम करवाओगे तो ठीक है, वरना कब्जा करना भी मुझे आता है। कपड़ा कारोबारी को कुछ इस अंदाज में जोनी टक्कर नाम के एक व्यक्ति ने धमकी दी। कारोबारी की शिकायत पर शहर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता हरीश कुमार ने सुरक्षा मुहैया कराने की गुहार भी लगाई है। पुलिस को दी शिकायत में सेक्टर 9 अंबाला शहर निवासी हरीश कुमार ने बताया कि कपड़ा मार्केट में देव समाज हॉस्टल रोड पर मेरी नवरंग नाम से होलसेल की दुकान है। मेरे इसी मार्केट में मेरी चाची सुदेश, मेरा बड़ा भाई गोविंद लाल, छोटा भाई रविंदर सिंह, भाभी जसविंदर, भतीजा नवनीत, मेरी पत्नी पूनम को भी कपड़े होलसेल की दुकानें हैं। हमारी इन दुकानों पर हमारे बच्चे भी हमारे साथ बैठते हैं। हम कई वर्षों से आंवला कपड़ा मार्केट में कपड़े की दुकान करते हैं। इसकी एवज में हमने किराए नामा की पूरी रकम देव समाज संस्था को दी हुई है। आपको बता दें, यह बदमाश कपड़ा मार्केट में करता है जबरन वसूली। पीड़ित दुकानदार ने बताया कि हर महीने का किराया भी हम देते हैं, लेकिन जोनी टक्कर कपड़ा मार्केट में जबरन वसूली और कब्जा करने का काम करता है। अक्सर दुकानदार को धमकी देता है, जो काफी समय से हमें परेशान कर रहा है। हमें कहता है कि आपके परिवार के पास कपड़ा मार्केट में काफी दुकानें हैं, इनमें से एक दुकान मुझे दे दो। जब हमने मना किया तो जोनी टक्कर ने हमें धमकी दी। फिरौती मांगी कि यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारा जान व माल का नुकसान करूंगा। मेरा परिवार डर के साए में जी रहा है। जोनी टक्कर हमेशा 10-12 बदमाश किस्म के लड़के रखता है। पीड़ित दुकानदार ने बताया कि लगभग एक महीना पहले भी रात के 10-11 बजे जब मैं दुकान पर मिस्त्रियों के साथ काम करवा रहा था तो कुछ लड़कों को लेकर आया, तब मुझे पुलिस बुलानी पड़ी थी। आरोपी के खिलाफ भी शहर थाने में विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंद टीवी, सूरत।